दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेजर कल्ची क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर को देखेंगे, साथ के साथ उन करंट अफेयर से जुड़े हुए जो पास्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आज की हमारी वीडियो का पूरा कंटेंट है, जिस कंटेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे जो डिस्कशन का पहला टॉपिक है वह क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ताऊके। देन हमारा जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा मलेरकोटला। थर्ड टॉपिक होगा हमारा फरजाब बी गैस फील्ड। एंड फोर्थ टॉपिक होगा हमारा माइसरेन, बोंदा ट्राइब, संवेदना, सिक्किम डे एंड बासवान जयंती, बीमा बंबू एंड पीएम किसान। देखिए ये आज का हमारा पूरा कंटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा डिस्कशन का जो पहला टॉपिक आता है वह है ट्रॉपिकल साइक्लोन ताऊके। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ताऊके ने महाराष्ट्र एवं गुजरात का जो तट है उस पर अपना लैंडफॉल किया है, उसके बाद उन तटों पर भारी क्षति पहुंचाई है। ये इस डिस्कशन का कंटेक्स्ट है, आखिर इसको सिलेक्ट क्यों किया गया। देखिए जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ताऊके है ये क्या होते हैं, बेसिकली एक तूफान होते हैं जो समुद्र से, जो वाटर बॉडी से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ओके, और इन तूफान के माध्यम से क्या होता है, बड़ी बड़ी बहुत हैवी रेनफॉल आती है, बहुत तेज गति से हवाएं मूव करती है। ओके, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। देखिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, एक बार इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि किस प्रकार ओरिजिनेट होते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा है ना दिमाग में रखना, ये साइक्लोन जो होते हैं ये वाटर बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। वाटर से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, एंड जैसे ही लैंड पर पहुंचते हैं, जैसे ही ये लैंड पर पहुंचते हैं क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। देखेंगे क्यों हो जाते हैं लैंड पर पहुंचने के बाद डिसअपेयर। देखिए इसके फॉर्मेशन के लिए क्या होती है, सम कंडीशंस होती है। फॉर्मेशंस के लिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशंस क्या होती है, पहली कंडीशंस होती है इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर, यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन होनी चाहिए इंटेंस लो प्रेशर क्रिएशन, क्या होना चाहिए, इंटेंस लो प्रेशर का क्रिएशन होना चाहिए, इंटेंस लो प्रेशर क्रिएशन होना चाहिए। थर्ड होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ कोरलिस फोर्स, प्रेजेंस ऑफ कोरलिस फोर्स। ओके, ये तीन कंडीशन जब मिल जाती है तो साइक्लोन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए अब क्या होता है, ये कोई भी वाटर बॉडी है, ये कोई भी क्या है, वाटर बॉडी है। ये वाटर बॉडी क्या हो चुका है, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस से, और यहाँ पर क्या है, इंटेंस लो प्रेशर है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस क्षेत्र में, इस वाले रीजन में जो विंड्स होगी, इस वाले रीजन में जो विंड्स होगी, उन विंड्स में क्या होगा, विंड्स वो हल्की हो जाएगी, विंड्स हल्की हो जाएगी, तो विंड्स क्या करेगी, ऊपर बढ़ेगी स्पायरल करती हुई। स्पायरल क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोरलिस फोर्स अप्लाई करती है। देखिए जो कोरलिस फोर्स होती है वो बेसिकली क्या होती है, ये वाली फोर्स हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ के रोटेशन की वजह से इस फोर्स का डेवलपमेंट होता है। एंड इस फोर्स से क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारी पृथ्वी है एंड ये हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर है, हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है। अब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ऐसे मूव कर रहा है तो वो राइट की तरफ क्या कर जाएगा, राइट की तरफ वो मुड़ जाता है, वहीं जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है। तो इसकी वजह से ये होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, एक स्पायरल क्रिएट होता है, इसी की वजह से एक स्पायरल क्रिएट होता है। ये विंड ट्रोपोपोज तक पहुंचती है क्योंकि इसमें बहुत मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि ओशियंस में डेवलप हुई है, और ऊपर जाने के बाद यहां पर ये क्या करती है, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड को फॉर्मेशन करती है। ये क्यूमुलस निम्बस क्लाउड क्या होते हैं, ये वेरी हैवी रेनफॉल के लिए जाने जाते हैं, हैवी रेनफॉल के लिए जाने जाते हैं। अब इनको फॉर्मुलेट कर देती है, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत रेनफॉल होती है। अब देखो क्या होता है, जब विंड यहां पर पहुंच जाती है तो इसमें क्या होता है, कुछ विंड डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज होने के बाद वो ऐसे फ्लो करती है, यहाँ जब पहुंचती है तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, विंड होती है विंड भारी हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे क्या करती है, नीचे सिंक करती है। जब वो नीचे सिंक करती है तो इस रीजन में क्या करती है, इस रीजन में हाई प्रेशर क्रिएट करती है। यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, लो प्रेशर था, और जो विंड होती है, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब ऐसे क्या बन जाता है, कंटिन्यूस साइकिल बन जाती है। ओके, यहाँ से विंड ऊपर उठेगी, यहाँ पे क्यूमुलस निम्बस क्लाउड को फॉर्मुलेट करेगी, और यहाँ से डाइवर्ज होगी, अगेन यहाँ नीचे सिंक करेगी, यहाँ पर आएगी, एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। इससे जो क्या होता है, साइक्लोन का पूरा एक मोशन कंटेंट मिलता रहता है।
अब उसकी वजह से उसके बाद ये क्या हो चुका, इससे बहुत हैवी रेनफॉल होती है। अब क्या होता हैवी रेनफॉल हो चुकी, चूंकि ये जो हमारा पूरा ट्रॉपिकल रीजन है, जो पूरा ट्रॉपिकल रीजन है ये वाला जो क्षेत्र होता है हमारा, ये जो पूरा हमारा क्षेत्र है इस क्षेत्र को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब देखो ये इस वहां पर आते हैं और इस रीजन में जो विंड्स होती है, इस रीजन में जो विंड्स होती है बेसिकली वो कैसे मूव करती है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है। अब उसी की वजह से ये जो साइक्लोन्स होते हैं ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं। और ये साइक्लोन जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही लैंड पर पहुंचते हैं क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, क्योंकि ये वाला जो मॉइस्चर कंटेंट है ये क्या हो जाता है, उसकी सप्लाई कट हो जाती है, उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, कट हो जाती है, जिसकी वजह से ये लैंड पर पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये साइक्लोन जब लैंडफॉल करते हैं, जहां पर लैंडफॉल करते हैं, लैंडफॉल करते हैं तो क्या होता है, विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसमें जो हवाएं चलती है विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, प्लस रेनफॉल होता है, प्लस रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, ह्यूज डिस्ट्रक्शन, क्या होता है, ह्यूज डिस्ट्रक्शन। उसी प्रकार ये जो अभी हमारा साइक्लोन आया है ये कहां पर आया है, ये हमारे वेस्ट कोस्ट पर आया है, ये हमारा इंडिया है। ओके, अब ये जो पूरा का पूरा साइक्लोन डेवलप हुआ है ये कहां पर हुआ है, अरेबियन सी में डेवलप हुआ है, अरेबियन सी में डेवलप हुआ है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। अब ये ऐसे मूव करता हुआ निकल गया जिसने पूरे यहां पर टकराया है। ऑलराइट, अब देखो ये जो पूरे साइक्लोन्स होते हैं, इन साइक्लोन्स को, इन साइक्लोन्स के क्या होते हैं, इन साइक्लोन्स को, ये साइक्लोन्स जो होते हैं इन साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, इन साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, इन साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं अपनी स्लाइड में, जहां सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल्सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें एमकेसी लर्निंग ऐप, कहते हैं ना ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। देखिए ये पूरा क्या है, हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है। जब हम पूरे वर्ल्ड मैप को देखते हैं, ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन क्या है, दिस रीजन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन रीजन में इनको नाम जाना जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से, जो कि समर में डेवलप होते हैं। वहीं जब बात करते हैं हम साउथ चाइना सी की एंड ईस्ट चाइना सी की, वहां पर इनको जाना जाता है टाइफून्स के नाम से। ओके, जब बातें करते हैं हम अटलांटिक ओशन की एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको की, यहां पर इनको जाना जाता है हुर्रिकेन के नाम से, इनको जाना जाता है हुर्रिकेन के नाम से। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर इनको जाना जाता है विली विली के नाम से। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, इस नामों से इनको जाना जाता है डिफरेंट डिफरेंट नेम से। अब देखो क्या होता है, वहीं ये तो जाना जाता है, लेकिन इन साम का जितने भी साइक्लोन्स हैं इन सभी साइक्लोन्स के यूनिक नाम रखे गए हैं। क्या होता है कि 90 के दशक में हम 2000 के अर्ली स्टार्टिंग में क्या होता है, पूरे जो वर्ल्ड की मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने डिसाइड किया कि इन साइक्लोन्स को नेमिंग करनी चाहिए हमको, ताकि हम इसको क्लियरली क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ओके, इसी की वजह से क्या होता है, वर्ल्ड की सभी, पूरे वर्ल्ड में 6 मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल को रिप्रेजेंट करती है, और इंडिया की जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उनमें से एक है। उसी को देखते हुए हमारा जो पूरा ये साउथ एशिया है, उसी को देखते हुए हमारा ये जो पूरा साउथ एशिया है, उसी को देखते हुए हमारा जो पूरे साउथ एशिया है, हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूरे साउथ एशिया में जितने भी साइक्लोन आते हैं उसकी नेमिंग करता है। अब देखिए पूरी जो नेमिंग होती है, नेमिंग किस प्रकार होती है, हमारे साउथ एशिया में तकरीबन 8 कंट्री है और इसके अलावा यहाँ पर इसमें 5 कंट्री और इंक्लूड हो जाती है, यानी तकरीबन 13 कंट्री क्या होती है, ये 13 कंट्री हर साइक्लोन को, हर साइक्लोन के लिए 13 नामों को सबमिट करती है, ये 13 कंट्री नामों को सबमिट करती है। अब उन नामों को क्या होता है, उन नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। अब जो भी साइक्लोन आता है उसी के अकॉर्डिंग उसको नाम कर देते हैं। ये जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन ताउके, इसी की जो नेमिंग थी, इसकी नेमिंग म्यांमार ने की है। ताउके का बर्मीज लैंग्वेज में मीनिंग होता है छिपकली। ताउके जो साइक्लोन है इसका बर्मीज लैंग्वेज में मीनिंग होता है छिपकली। ओके, देखिए अब इसी साइक्लोन से जुड़े हुए
जो मैंने आपको चीजें बताई है, इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए आप दिमाग में रखिएगा। एंड आप पास्ट के जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं अपने एग्जाम में, हमारे डिफेंस में, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए में पूछे, मैंने उनको यहां पर अरेंज किया है, आप उनको देखिए। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। देखिए यहाँ पर दो लिस्ट है, हमको अरेंज करना है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसकी जो नेमिंग है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में वो किस प्रकार है। देखिए मैंने आपको बताया था साइक्लोन्स कहाँ पर बोलते हैं, साइक्लोन्स बोलते हैं इनको इंडियन ओशन में। हुरिकेन्स कहाँ पर बोलते हैं, इनको बोलते हैं अटलांटिक ओशन में। टाइफून्स कहाँ पर बोलते हैं, साउथ चाइना सी में। एंड विली कहाँ पर बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये क्वेश्चंस सीडीएस सेकंड 2020 का है। ओके, तो आप देख सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए का थर्ड एंड बी का फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी। ओके, बी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसके अलावा और भी देखते हैं पास्ट में, ऐसा कैसे पास्ट में जो क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है सीबीएफ 2020 का। ओके, इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड चूजन द नेम निसर्ग फॉर द साइक्लोन विच डिवास्टेड द कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन जून 2020। ओके, देखिए ये जो पूरा निसर्ग साइक्लोन था जो कि लास्ट ईयर आया था अरेबियन सी में, इसका जो पूरा नेमिंग था किस कंट्री ने किया था, हमारे पास चार ऑप्शन है, मालदीव, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान। इस साइक्लोन की जो नेमिंग की थी वो किसने की थी, वो की थी बांग्लादेश ने। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे जुड़ा हुआ। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी सी, ये वाला भी सीडीएस का ही क्वेश्चन है, सीडीएस का ही क्वेश्चन है, शायद फर्स्ट 2020 का है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में यूपीएससी ने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सजेस्टेड द नेम अम्फन टू साइक्लोन दैट डिवास्टेड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश इन मई 2020। हमारे पास चार ऑप्शन है, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव्स एंड इंडिया। देखिए इस साइक्लोन की जो नेमिंग थी वो किसने की थी, वो की थी थाईलैंड ने, किसने की थी, थाईलैंड ने। तो आप देख सकते हो किस प्रकार इन ट्रॉपिकल साइक्लोन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, अगला टॉपिक देखते हैं मेरे डिस्कशन का, जो हमारा डिस्कशन का अगला टॉपिक है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट ने मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया है बाय द नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ द पंजाब ऑफ 1887। उसके तहत उसने क्या किया है, मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला घोषित कर दिया है। एग्जाम में हमसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ पर मलेरकोटला को नया जिला घोषित किया है। चार ऑप्शन दे देगा हमको, ऑप्शन दे देगा जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या फिर हमसे पूछ सकता है कि डिफरेंट सिटीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ अरेंज कीजिए। ऑलराइट, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप दिमाग में रखिएगा। देखिए अगला टॉपिक देखते हैं। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और ड्रीम्स को पूरा करती हैं। रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ऑर्डर करें, विजिट www.dlp.majorkalshiclasses.com। अभी क्या हुआ है हाल ही में, देखिए ये है फरजाद बी गैस फील्ड। ये जो फरजाद बी गैस फील्ड है ये ईरान में लोकेटेड है। ये कहां पर लोकेटेड है, ये ईरान में लोकेटेड है। देखिए हम सभी को मालूम है जो इंडिया है, इंडिया में जो हमारा जो एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे डीजल, ये सब का सब क्या होता है, ये सब हम पहले क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब क्या हुआ है, हमारा पूरा क्या होता है, ये इंपोर्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, और इसमें वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कल को अगर ये वाला जो पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन जाना जाता है वेस्ट एशिया अपनी इनस्टेबिलिटी के लिए, अपनी इनस्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर हमेशा गृह युद्ध चलते रहते हैं, यहाँ पर हमेशा टेररिज्म चलता रहता है, फाइटिंग चलती रहती है आपस में, और शायद ही कोई कंट्री होगी जिसमें इस तरह की सिचुएशन ना हो। अब देखिए क्या होता है कि इसी की वजह से अगर किसी दिन इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा आता है तो इंडिया क्या करती है, इसी से बचने के लिए वो इस अपने सोर्स को, जो एनर्जी सोर्सेस हमारे, उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती है। हम लोग रशिया में जाके एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग अफ्रीका में जाके एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग अटलांटिक में जाके एक्सप्लोर करते हैं, हम लोग वियतनाम में जाके एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हम
हमें जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम वहां पर जाकर उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि क्या कर सके, अपने ऑप्शंस को बढ़ा सके और डाइवर्सिफाई कर सके और अपनी डिपेंडेंसी को जितना हो सके कम हो सके। ओके, अब उसी के तहत हमारी जो ONGC है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर लिमिटेड है, इसने क्या किया 2008 में ईरान के अंदर एक गैस फील्ड था उसको डिस्कवर किया था, लेकिन क्या होता है कि हाल ही में जो ईरान की गवर्नमेंट है इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देती है, बोलती है कि इस वाले प्रोजेक्ट को मैं डोमेस्टिकली अपनी कंपनी से क्या करवाऊंगी, इसको एक्सप्लोर करवाऊंगी, मुझे ONGC की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए इससे रिलेटेड है ना, पास्ट में क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो ये 2017 के ये वाला जो क्वेश्चन था, ये CDS फर्स्ट 2017 में आ चुका है। ये क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट इन 2016 टू डेवलप अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट इन वन ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्ट। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत ने 2016 में अपनी एक पड़ोसी देश के साथ में एक पोर्ट को डेवलप करने का प्रोजेक्ट साइन किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ओके, हमारे पास चार ऑप्शन है, चाबार पोर्ट, गवादर पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, मोंगला पोर्ट। देखिए इंडिया ने 2016 में जिस पोर्ट को डेवलप करने का एग्रीमेंट साइन किया था वह था चाबार पोर्ट। वह कौन सा था? चाबार पोर्ट। ओके, तो चाबार पोर्ट था। और ये जो गवादर पोर्ट है, ये वाला जो गवादर पोर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये पाकिस्तान में लोकेटेड है। पाकिस्तान में कहाँ पर? पाकिस्तान के कराची कोस्ट पर। ओके, वहीं ये हम्बनटोटा पोर्ट जो है ये श्रीलंका में लोकेटेड है। इन दोनों पोर्ट को, इन दोनों पोर्ट में क्या है सिमिलैरिटी है कि इन दोनों पोर्ट्स को डेवलप कौन कर रहा है? चाइना डेवलप कर रहा है। ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है गवादर पोर्ट, ये इसको डेवलप कर रहा है अंडर द CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत इसको डेवलप कर रहा है। हम्बनटोटा को अपनी स्ट्रेटेजिकल कंसिडरेशन की वजह से वो डेवलप कर रहा है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? चाबार पोर्ट। तो अब इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि फरजाद बी गैस फील्ड कहां पर लोकेटेड है। ओके, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारे डिस्कशन का। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, एक बार आप उसकी लोकेशन देख लीजिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के साउथ ईस्ट में जो कंट्री है ग्रीन वाली, ये कौन सी कंट्री है? ये है ऑस्ट्रेलिया। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी इस क्षेत्र में, अभी क्षेत्र का ऑस्ट्रेलिया का जो ये वाला स्टेट है न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ चूहों, जो चूहे होते हैं, चूहों की संख्या एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में फियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं उनके भविष्य में क्या आ सकता है, प्लेग आ सकता है। तो प्लेग से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया है कि जो चूहे होते हैं, चूहों को मारने का ऑर्डर दिया है कि चूहों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको मार दिया जाए। ओके, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि हाल ही में कौन सी कंट्री में जो माइस रेन हुई थी, जो नंबर ऑफ चूहों की इंक्रीज हुई थी, वह कौन सी कंट्री थी। चार ऑप्शन दे देगा, फंसा देगा, तो आपको नहीं फंसना है, आपको सही आंसर क्या टिक करना है कि ऑस्ट्रेलिया में नंबर ऑफ चूहों की संख्या बढ़ी थी, ठीक है ना। वो यहाँ पर ही मेंशन है कि ड्यू टू द अबंडेंट ग्रेन हार्वेस्ट इन द ऑस्ट्रेलिया देयर इज अ सडन राइज इन माइस नंबर, इफ नॉट कंट्रोल इट कैन लीड टू प्लेग, नाउ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड किलिंग ऑफ दिस माइस, प्लेग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये यहाँ पर यही बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में बंपर प्रोडक्शन की वजह से ग्रेन का क्या हुआ है कि नंबर ऑफ चूहों की संख्या बढ़ गई है। ओके, देखिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसको देखते हैं अगले टॉपिक को। हमारा जो डिस्कशन का अगला टॉपिक है वह क्या है, बोंदा ट्राइब। देखिए ये जो बोंदा ट्राइब है, अभी चर्चा में थी। यूपीएससी हमेशा क्या प्रीफर करती है कि जो चीज़ें चर्चा में रहती है ना उसको वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछ लेती है। ओके, अभी जो बोंदा ट्राइब है, ये बोंदा ट्राइब क्या है, उड़ीसा की एक जनजाति है। क्या है? उड़ीसा की एक जनजाति है। और ये जनजाति होने के बावजूद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ट्राइब्स है, ये क्या है, ये ट्राइब्स है, ये क्या है, ट्राइब्स है। अभी नहीं, ट्राइब्स के अंदर एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं क्या, पीवीटीजी, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये वो ट्राइबल ग्रुप होते हैं जो आदिवासियों में, जनजातियों में सबसे बैकवर्ड होते हैं, और इनके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने स्पेशल एफर्ट चलाए हुए हैं। ओके, 1973 में देखिए क्या होता है कि पर्टिकुलर वल्नरेबल
पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप, इसको 1973 में देवर कमीशन ने क्या किया था, इसको रिकमेंड किया था कि हमको जो ट्राइब्स काफी बैकवर्ड है अमंग द ट्राइब्स, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ हमको स्पेशल एफर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, हमको कुछ उनके लिए स्पेशल करना होगा, और इसी के तहत क्या होता है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। अभी तक इस ग्रुप में 75 ट्राइब्स शामिल है, अभी तक इस ग्रुप में 75 ट्राइब्स शामिल है, और मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स है वो कहां से है, उड़ीसा से है, तकरीबन 15 के आसपास ट्राइब्स उड़ीसा से है। ओके, और ये क्या है कि जो जनजाति है, जनजातियों के अंदर एक ऐसे समूह है जो काफी बैकवर्ड है। ओके, तो ये न्यूज में था, इसको देखते रहना हमको, लेकिन इससे जुड़ा हुआ पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी ने, तो उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां पर पूछा गया इस क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। पीवीटीजीज रेसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। अ स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। देर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। इरुलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज। देखिए ये क्वेश्चन CAPF 2018 में आ चुका है, ये क्वेश्चन CAPF 2018 में आ चुका है, एंड मैंने आपको बताया कि पीवीटीजी के अंदर 75 क्या है, 75 ट्राइब्स शामिल है। अब देखते हैं हमारे जो ऑप्शंस है इसमें क्या मेंशन है, 95, मैंने आपको क्या बताया 75 है इसके अंदर। अब देखो 95 हमको पता है, 95 नहीं है वो कितना है 75। अगर हम थर्ड वाला देखते हैं कि थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड पहले ऑप्शन में भी है, थर्ड सेकंड ऑप्शन में भी है, थर्ड फोर्थ ऑप्शन में भी है, लेकिन थर्ड किस में नहीं है, सी वाले ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये टेक्निक्स होती है जो इस्तेमाल करनी होती है। ये सही है, पीवीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, और स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, और इरुलर ये कहां पर मिलती है, बेसिकली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रीजन में ये वाली ट्राइब्स मिलती है। ओके, तो आपको इसी प्रकार क्वेश्चंस को देखते रहना है, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, वो क्वेश्चन बहुत मजे लेता है क्वेश्चनों से, लेकिन आपको उससे बचकर चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फौजी है बनना अगर बस यही है एक सपना, तो MKC टेस्ट प्रेप ऐप से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और पूरे सिलेबस के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर अपनी तैयारी को दो फाइनल टच। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाओ अपनी स्पीड, तुरंत डाउनलोड करो MKC टेस्ट प्रेप ऐप फॉर 100% सिलेक्शन। देखिए अगला डिस्कशन में हमारा जो टॉपिक है दैट इज संवेदना। यह संवेदना जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो इस पिक्चर में कि ये कोई बच्चा है एंड ये कोई इसके पेरेंट है, या फिर मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में। आप सभी को मालूम है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड COVID-19 के पेंडेमिक से सफ़र कर रहा है, और बच्चे उससे अछूते नहीं है, बच्चे तो बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि